सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के शेयर के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ भी कुछ दिन पहले ही मार्केट में लिस्ट हुआ था और इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट प्राइस पर होती हुई नजर आई थी। आपको बता दें कि इस आईपीओ का इशू प्राइस करीब 87 रुपए के आसपास रखा गया था और इसकी लिस्टिंग करीब 74 रुपए के आसपास देखने को मिली थी। यानी लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को काफी नुकसान का सामना यहां पर करना पड़ा था और उसके बाद आप देख सकते हैं ये शेयर लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आया था। और देखिए, इसने जो लो बनाया था करीब 57 रुपए के आसपास का लो बनाया था, लेकिन उसके बाद इस शेयर में तेजी देखने को मिली और आप यहां पर देख सकते हैं लगातार ये शेयर तेज होता हुआ नजर आया और इसने जो हाई बनाया करीब 88 रुपए के आसपास का हाई था। यानी कि जो निवेशक कम लॉस के साथ या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट के साथ यहां पर निकलना चाहते थे वो निश्चित रूप से यहां पर निकल चुके होंगे। और देखिए, बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जिन्होंने आईपीओ में शेयर को यहां पर लिया होगा, उसके बाद यहां पर एवरेजिंग की होगी और यहां पर निकलकर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया होगा। और देखिए, बहुत सारे ऐसे भी निवेशक होंगे जो यहां पर बने हुए होंगे क्योंकि टारगेट्स यहां पर काफी बड़े निकलकर आ रहे थे, लेकिन हुआ क्या, ये शेयर यहां तक गया और यहां पर बिकवाली का इतना ज्यादा प्रेशर आया क्योंकि ये इसका इशू प्राइस था, इशू प्राइस इसी के आसपास था, इशू प्राइस के आसपास इतना ज्यादा बिकवाली का दबाव आया कि ये शेयर एक बार फिर से धराशायी हो गया और मार्केट में प्रेशर की सिचुएशन आई, जिसके कारण ये लगातार नीचे जाता हुआ नजर आया। आप यहां पर देखें तो काफी ज्यादा गिरावट एक बार फिर से इस शेयर में होती हुई नजर आ रही थी और इसने इस बार करीब 60 रुपए के आसपास का लो बनाया और अभी आप देखें तो ये अपने सपोर्ट प्राइस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज शेयर में देखें तो काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली, तो ऐसा लगता है कि यहां से इस शेयर में रिबाउंड आ सकता है और यहां से काफी बढ़िया तेजी इस शेयर में देखने को मिल सकती है। देखिए, कारण यह है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, मार्केट सभी जगह ओपन कर दिए गए हैं, लोग अच्छी खासी खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए ये ज्वेलरी से रिलेटेड ये शेयर है और ज्वेलरी के इनके शोरूम होते हैं तो लोग इनके शोरूम पर अभी जाना स्टार्ट कर दिए हैं, इनकी जो शॉप्स वगैरह थी वो खुलने स्टार्ट हो गए हैं, तो जिसके कारण इनका काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, जिसके कारण इसका असर आपको शेयर प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। और यहां से चार्ट पर भी यहां पर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर देखें आप, ये जो सपोर्ट प्राइस है लगभग उसी के आसपास है, थोड़ा सा नीचे ऊपर है और यहां पर आप देखें तो यहां से एक बार फिर से ये रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहां पर जो लॉस में है वो एवरेजिंग करने के अगर मूड में है तो निश्चित रूप से यहां पर एवरेजिंग किया जा सकता है। और देखिए, यहां पर रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप अपने जो लॉस है उसको मैनेज करना चाहते हैं या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये अच्छा मौका है इस शेयर से पैसा कमाने का क्योंकि यहां से शेयर रिबाउंड होकर अगर ऊपर जाता है तो पहला लेवल तो निश्चित रूप से 87 रुपए का होगा और 87 रुपए पर जो बिकवाली का दबाव है वो अगर इसको वो पार कर लेता है शेयर तो निश्चित रूप से इसमें अच्छे खासे लेवल्स आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता था कि यहां से तेज हुआ है तो निश्चित रूप से ये और ज्यादा तेज होगा और 87 रुपए को ब्रेक करके 100 रुपए के पार जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बिकवाली का दबाव आप देखें और मार्केट में प्रेशर की सिचुएशन के कारण ये डायरेक्टली नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखिए बात करें टारगेट की, तो मैंने आपको बताया कि 87 रुपए का पहला टारगेट होगा और दूसरा जो टारगेट है 100 रुपए का टारगेट, जो कि सेंटीमेंटली होगा, आपको जल्दी ही आता हुआ नजर आना चाहिए अगले 1 से 3 महीने के अंदर। तो यहां पर खरीदारी की जा सकती है और आईपीओ के बाद यहां पर दूसरी बार, पहली बार यहां से ये रिबाउंड किया था और यहां से दूसरी बार ये रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपके लिए काफी बेहतरीन मौका यहां पर है। जो आईपीओ में फंसे हुए लोग हैं या फिर जो ऊंचे स्तरों पर खरीद कर
बाजार फंस चुके हैं, एवरेजिंग किया जा सकता है या फिर नई खरीदारी का भी अच्छा मौका यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं इस शेयर को। जो लेवल्स मैंने बताए वो लेवल्स आपको 1 से 3 महीने के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये काफी बढ़िया शेयर है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो मैं शेयर सजेस्ट करता हूँ, जो मुझे तेजी दिखती है चार्ट पर, जो मुझे दिखता है, जो मुझे लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर को आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको भी एक नज़र इसके फंडामेंटल से या इसकी जो न्यूज़ वगैरह आती हैं उस पर डालना है। बाकी अगर देखें तो त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये शेयर आपको बम्पर कमाई करने का मौका ज़रूर देगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।